हाय स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी। यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। फर्स्ट एग्जांपल ऑन द डिजाइन ऑफ स्पर गियर। तो पहले ये जो भी वीडियोस लोग देख रहे हैं, जो भी एग्जांपल देख रहे हैं, चार वीडियोस आपको अच्छे तरीके से देखने होने चाहिए। एक बीम स्ट्रेंथ ऑफ गियर टूथ, वियर स्ट्रेंथ ऑफ गियर टूथ, फिर मेथड ऑफ फाइंडिंग डायनेमिक लोड बाय बकिंगहम मेथड एंड वेलोसिटी फैक्टर मेथड, एंड फोर्थ डिजाइन प्रोसीजर ऑफ स्पर गियर। अगर ये चार वीडियो तुमने नहीं देखे और डायरेक्ट इधर आ रहे हो, सो आई विल रेज माय हैंड, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो तुम्हें पिछले चार वीडियो देखे तो ये फिर यार मक्खन की तरह चलेगा, मक्खन की तरह चलेगा यार। एक बार देख लिया समझ में आ गया, झिंगा लाला, इसको देख लिया लाइव झिंगा लाला। ठीक है, तो स्पर गियर का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तुमको आएगा। ठीक है, तो मैं अच्छे तरीके से इसको ले रहा हूं। अब ये कौन सा एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है सेवन वाला। ठीक है, सॉरी, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ 17.7 करवा रहा हूं। ठीक है, तो हम विवी भंडारी से 17.7 वाला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। तो 17.7 वाला एग्जाम्पल निकालिए आप विवी भंडारी के अंदर, आपके पास पड़ा हुआ है। अगर नहीं है तो मैं स्क्रीन के यहां पे आप देख रहे हो, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी पूरी की पूरी जो भी एग्जाम्पल है उसका स्टेटमेंट। तो आप वीडियो को पॉज कर दो अभी और शांति से पढ़ लो एक बार। वीडियो को पॉज करो, जितना भी डेटा आपने नोटबुक में लिख दो। क्लियर? ओके, चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं। अब मैं ऐसा समझ लेता हूं कि आपने पूरा देख लिया है। ठीक है, न्यूमेरिकल और डेटा भी अपने हिसाब से लिख दिया। अब सबसे पहले हमें डेटा पढ़ना है। सो इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ पेयर ऑफ स्पर गियर। तो स्पर गियर का न्यूमेरिकल है, कैसे पता चलेगा? स्पर गियर लिखा होगा विथ 20 डिग्री पुल डेप्थ इन वॉल्यू टीथ। अब इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, 20 डिग्री पुल डेप्थ इन वॉल्यू टीथ। तो जब भी तुम डिजाइन डेटा बुक में देखोगे तो तुम्हें 20 डिग्री वाला प्रेशर एंगल है वहां पे जो डेटा दिया होगा वो दिख रहा होगा। और दूसरा, टीथ में भी होते हैं, पुल डेप्थ, सब मैंने स्टब टीथ एंड 14.5 डिग्री फुल डेप्थ, ऐसे तीन मैंने टूथ प्रोफाइल में आपको पढ़ाया हुआ है। सो ये खास ध्यान रखने का, अगर यहां पे 20 डिग्री फुल डेप्थ की जगह पे स्टब लिख देता मैं एस ट्यूब स्टब, तो फिर तुम्हें डेटा बुक में से तुम्हें 20 डिग्री स्टब के जितने भी इक्वेशन है वो तुम्हें यूज करने पड़ते। लेकिन यहां पे लिखा है 20 डिग्री फुल डेप्थ, तो इसको ध्यान से सुनने का। तीन प्रोफाइल है, 20 डिग्री फुल डेप्थ, 20 डिग्री स्टब एंड 14.5 फुल डेप्थ। तो तुम्हें कौन सा दिया उस हिसाब से डिजाइन डेटा बुक तुम्हें देखने। क्लियर? तो यह 20 डिग्री फुल डेप्थ है, तो हम डिजाइन डेटा बुक में 20 डिग्री फुल डेप्थ के डेटा देखेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन लुईस इक्वेशन इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ पेयर ऑफ स्पर गियर 20 डिग्री फुल डेप्थ टीथ बेस्ड ऑन लुईस इक्वेशन। बेस्ड ऑन लुईस इक्वेशन यानी बेम स्ट्रेंथ का हमें यूज करना है। ठीक है, दैट इज व्हाट ही सेइंग। द वेलोसिटी फैक्टर इज टू बी यूज्ड टू अकाउंट द डायनामिक लोड, यानी इफेक्टिव लोड फाइंड करने की दो मेथड है, एक वेलोसिटी फैक्टर मेथड एंड बकिंगहम मेथड। तो यहां पे उसने बोल दिया है कि आपको वेलोसिटी फैक्टर मेथड का यूज करके आपको पी इफेक्टिव फाइंड करना है। तो हमें पता है वेलोसिटी फैक्टर में पी इफेक्टिव का इक्वेशन क्या होता है, सी एस अपॉन सी वी इंटू पी टी, इसका यूज करके हमें इफेक्टिव लोड फाइंड करना है। आगे पढ़ते हैं फिर, द पिनियन शाफ्ट इज कनेक्टेड टू अ 10 kW, है ना। तो पिनियन जो है उसको लगाया हुआ है 10 kW 440 rpm मोटर, यानी इसका मतलब क्या, पिनियन है वो मोटर से कनेक्टेड है, यानी पिनियन है वो ड्राइविंग है और गियर है वो ड्रिवन है, क्योंकि जो मोटर जिसके साथ कनेक्ट होती है वो ड्राइवर होता है, क्योंकि मोटर उसको पावर देती है यानी वो घूमता है और उसके साथ जो कनेक्ट होता है वो ड्रिवन होता है। तो यहां पे जो मोटर जिसके साथ कनेक्टेड है वो ड्राइवर है, तो पिनियन के साथ मोटर कनेक्टेड है यानी पिनियन ड्राइवर है और गियर ड्रिवन है। पहले ये चीज तुम्हें को पता चलनी चाहिए पूरा सुनने से कि कौन सा ड्राइवर है और कौन सा ड्रिवन है। तो यहां पे मुझे पता चल गया पिनियन के साथ मोटर लगा हुआ यानी वो ड्राइवर है। क्लियर? दूसरा एक चीज आपको पता चलना चाहिए, कभी कभी आपको इनपुट शाफ्ट आउटपुट शाफ्ट ऐसा वर्ड यूज करेगा, तो ऐसा बोलेगा कि इनपुट शाफ्ट का जो स्पीड है वो 700 rpm है और आउटपुट का शाफ्ट है उसका 300 rpm। इसका मतलब कि इनपुट का ज्यादा और आउटपुट का स्पीड कम, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब छोटा गियर वो बड़े गियर को चला रहा हो, यानी छोटा गियर वो ड्राइवर हो, है ना। तो पिनियन ये ड्राइवर है और गियर ड्रिवन है, जब पिनियन गियर को चलाएगा तब तुमको आउटपुट में स्पीड कम मिलेगी। पर इससे उल्टा कर दूं, मैं बोलूं इनपुट स्पीड, इनपुट शाफ्ट है उसकी स्पीड 300 rpm, यहां पे 900, तो ये कब होगा? तो ये तब होगा जब बड़ा वाला छोटे वाले को चढ़ाएगा, तो आउटपुट में तुमको स्पीड ज्यादा मिलेगी, यानी अब तुम्हारा इनपुट जो, यानी जो ड्राइवर होगा वो गियर होगा और ड्रिवन होगा वो पिनियन होगा। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज कि इसमें से कौन गियर है और कौन पिनियन है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू नीड टू डिसाइड। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक न्यूमेरिकल में अब तुमको सारा न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे, उस तरीके से पढ़ाऊंगा।
फिर आगे बोलता है द पिनियंस आर डिसकनेक्टेड टू 10 किलोवाट, तो हमें सबसे पहले किलोवाट देके रखा है तो हम लिखेंगे किलोवाट इक्वल टू 10। फिर आगे उसने बोला हुआ है पिनियन शाफ्ट इज कनेक्टेड टू 10 किलोवाट एंड 440 आरपीएम, यानी पिनियन का आरपीएम एनपी देके रखा है 440। फिर आगे बढ़ते हैं द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ मोटर इज 150% ऑफ द रेटेड टॉर्क। तो मैंने बोला था ना सर्विस फैक्टर क्या होता है, सर्विस फैक्टर हमारा होता है वो होता है स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन रेटेड टॉर्क। तो यहां पे बोल दिया स्टार्टिंग टॉर्क कितना है 150% ऑफ रेटेड टॉर्क, इसका मतलब सर्विस फैक्टर कितना होगा 1.5। तो सर्विस फैक्टर हमें 1.5 दे के रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं स्पीड रिडक्शन इज 4J1। अब स्पीड रिडक्शन यानी यही वियर रेशियो देके रखा है, गियर रेशियो देके रखा है, ये वेलोसिटी रेशियो है ठीक है, और इसको स्पीड रेशियो बोलते हैं, स्पीड रिडक्शन बोलते हैं इसको। तो 4 देके रखा है, इसका मतलब डीपी अपॉन डीजी इज इक्वल टू जेडजी अपॉन जेडपी इक्वल टू एनपी अपॉन एनजी इक्वल टू 4 देके रखा है ना। हर एक चीज का रिलेशन तुम्हारे दिमाग में स्टार्ट हो जाना चाहिए इक्वेशन का। फिर आगे बढ़ते हैं द पिनियन एज वेल एज द गियर इज मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील, यानी गियर और पिनियन दोनों एक ही मटेरियल से बना हुआ है, तो अगर दोनों सेम मटेरियल से बना है तो बाय डिफॉल्ट वीकर मेंबर कौन ले लेंगे, पिनियन। ये मैंने तुमको डिजाइन प्रोसीजर ऑफ स्पर गियर में पढ़ाया हुआ है। अगर दोनों डिफरेंट मटेरियल के होते तो हमें सिग्मा बी वाई ऑफ गियर और सिग्मा बी वाई पिनियन ढूंढना पड़ता और जिसमें से जो वैल्यू कम आती वो वीक हो जाता। सो यहाँ पे दोनों सेम मटेरियल तो बाय डिफॉल्ट हमें पिनियन को वीक, तो हम जितने भी इक्वेशंस लगाएंगे वो सारे पिनियन के लिए लगाएंगे। तो याद रखो डिजाइन हमेशा हम वीकर मेंबर की ही करते हैं। सो यहाँ पे जितना भी इक्वेशंस लग रहा है वो सारा का सारा पिनियन को लगेगा। क्लियर, आगे बढ़ते फिर तुमको ब्रैकेट में लिखा है SU2 इक्वल टू 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका मतलब तुमको अल्टीमेट स्ट्रेंथ देके रखा हुआ है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना देके रखा हुआ है 600, सो S अल्टीमेट इज गिवन विच इज 600। तो वर्किंग बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, तुम्हें पता है अल्टीमेट सम वर्किंग बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा भी निकाल सकते हो, वो कितना होता है अल्टीमेट डिवाइडेड बाय 3, तो 600 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर है ना। कभी कभी इसको एंड्योरेंस भी बोलते हैं, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे बोला हुआ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैन बी टेकन एज 1.5, सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन विच इज 1.5। देन ही सेइंग डिजाइन द गियर, डिजाइन द गियर यानी तुमको मॉड्यूल फाइंड करना है, मॉड्यूल के हिसाब से फिर तुमको फेस विड्थ फाइंड करना है, फिर डायमीटर ऑफ पिनियन फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ गियर फाइंड करना है। सो दिस इज द डिजाइन ऑफ गियर एंड देयर डायमेंशन एंड सुटेबल हार्डनेस नंबर फॉर द गियर, यानी BHN फाइंड करना है, है ना। हार्डनेस को क्या बोलते हैं, BHN बोलते हैं, BHN नंबर फाइंड करना है, जो वियर स्ट्रेंथ में आता है ना K, जो हमारा इक्वेशन था 0.16 BHN अपॉन 100 का होल स्क्वायर, हाँ वो BHN हमें फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास गिवन डेटा है और इसका यूज करके हम अब इसको न्यूमेरिकल को गिनेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें पता चल गया कि यहाँ पे पिनियन है वो हमारा वीक मेंबर है, तो हमें पिनियंस के लिए हमें सारा का सारा डिजाइन करना होगा, तो हमें रिवर्स काम करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मॉड्यूल। तो मॉड्यूल का इक्वेशन क्या होता है, तो 16 × 10⁶ अपॉन पाई ब्रैकेट किलोवाट सर्विस फैक्टर फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय, यहां पे मैं ZN लिखता था, पर अब तुम किसके लिए कर रहे हो, पिनियन वीकर है तो यहां पे ZP हो जाएगा NP, अगर गियर वीकर होता तो यहां पे ZG NG लिखता है, ठीक है, पर पिनियन है तो अब सारा इक्वेशन पिनियन के ZP यानी टीथ ऑफ पिनियन NP स्पीड ऑफ पिनियन CV B/M सिग्मा B और Y, ये पूरा खत्म, फिर पूरा ब्रैकेट खत्म और रेस टू कितना है 1/3 है यहां पे, ये नहीं भूलना चाहिए, रेस टू 1/3 है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो कौन कौन सी चीजें हमारे पास है रिवर्स काम करने का, हमेशा रिवर्स काम करोगे तुमको आएगा। किलोवाट देके रखा है, हाँ सर किलोवाट तो 10 है सर। सर्विस फैक्टर देके रखा, हाँ सर सर्विस फैक्टर हमको बोला था ना 150% ऑफ दैट, तो उस समय सर्विस फैक्टर कितना मिल गया था 1.5, तो किलोवाट है सर्विस फैक्टर है हमारे पास। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हाँ सर वो भी गिवन डेटा में देके रखा है 1.5, नो प्रॉब्लम। फिर यहां पे फंस गए तुम, अब बोला टीथ ऑफ पिनियन वो देके रखा है कि नहीं, सर वो तो गिवन डेटा में नहीं देके रखा है, तो सर आपने बोला था कि तुम देखो पहले गिवन डेटा से कुछ निकल रहा होगा, तो यहां पे स्पीड रेशियो देके रखा है, तो यहां से मैं कुछ निकल रहा है क्या, तो स्पीड रेशियो मेरा 4 है, हाँ शायद इससे निकल जाए ZG अपॉन ZP इक्वल टू 4, पर ये तब निकलता जब मुझे ZG देके रखा होता। मान लो कि मुझे ऐसे लेके रखा है गियर का टीथ है वो 10 है, तो फिर मैं इस इक्वेशन का यूज करता ZG अपॉन ZP इक्वल टू 4, यानी 10
यानी यहां पे जो भी 10 अपॉन ZP इक्वल टू 4, तो यहां से ZP मिल जाता। मैं कुछ रैंडम आपको बता रहा हूं, पर यहां पे ZG भी हमको नहीं दिया है। अगर हम, क्योंकि स्पीड रेशियो हमारे 4 दिया देके रखा है, तो इस इक्वेशन का यूज करके शायद मिल जाता ZG अपॉन ZP इक्वल टू 4। तो अगर गियर दिया होता तो पिनियन को सब्जेक्ट बनाता ZP को, तो मिल जाता, पर यहां पे तो ZG भी नहीं देके रखा है। सो अब हमारे पास कोई भी डेटा ऐसा नहीं है, तो पहले चेक करने का अच्छे तरीके से जो दिया उससे मिल सकते। अब आई एम सेटिस्फाई कि जो दिया उससे नहीं मिलेगा, तो फिर मैंने तुमको डिजाइन प्रोसेस ऑफ पर गियर में सिखाया था कि जब टीथ नहीं दिया तब हम क्या करेंगे, एज्यूम। तो हम एज्यूम करेंगे कि पिनियन का टीथ कितना है, 18। आप 18 या 20 दोनों में से कोई एक लेके चलोगे, हम पिनियन का टीथ एज्यूम करेंगे 18। तो जो भी डिजाइन का न्यूमेरिकल होगा उसमें आपको एज्यूम बहुत बार करना पड़ेगा, ठीक है। कहां कहां पे करना है मैंने आपको डिजाइन प्रोसेस ऑफ पर गियर में पता दिया। तो हमें जेड पिनियन मिल जाएगा 18, तो चलो जेड पिनियन हमने 18 एज्यूम कर लिया। अब एनपी दे के रखा है क्या, हाँ सर, एनपी 440 आरपीएम, चलो दैट इज गुड। अब आता है सीवी। अब सर सीवी के लिए तो हमें क्या चाहिए, तो सीवी के लिए हमें वेलोसिटी के ऊपर से मिलेगा। वेलोसिटी क्या होता है तुम्हारा, पाई डी एन अपॉन 60 इंटू 10^6 मीटर पर सेकेंड, अरे इंटू 10^3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डायमीटर हमारा क्या होता है एमएम के अंदर। तो अब ये हमें मिलेगा वेलोसिटी के हिसाब से हम सीवी फिक्स करते हैं। अगर वेलोसिटी लेस देन 10 है तो सीवी लेते हैं 3/3+V, 10 से कम है, 10 से 20 के बीच में होगा तो मैंने आपको बताया उस हिसाब से, 20 से ज्यादा है तो उस हिसाब से, तो हमें उस तरीके से चलना है। हमें चाहिए सीवी। अब सीवी कैसे मिलेगा, सीवी तो सर आपने सीखा है वेलोसिटी के हिसाब से मिलेगा, पाई डी एन अपॉन 60 इंटू 10^3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है कि अगर वेलोसिटी 10 से कम होगी तो हम 3/3+V यूज करेंगे, 10 और 20 से बीच के होगी तो सीवी कुछ अलग यूज करेंगे, 20 से ज्यादा होगी तो भी सीवी कुछ अलग यूज करेंगे, वो मैंने डिजाइन प्रोसेस ऑफ पर गियर में बता दिया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी डिसाइड करनी पड़ेगी और उसके मुताबिक हमको सीवी मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखो कि क्या हमको वेलोसिटी मिल सकती है क्या, तो पाई चाहिए हमें। यहां पे क्या पिनियन के लिए कर रहे हैं, तो ये सारा एनपी एनपी हो जाएगा, डायमीटर ऑफ पिनियन। तो सर डायमीटर ऑफ पिनियन तो नहीं दे के रखा है, अगर सर ये इसका यूज करें तो स्पीड रेशियो का डीपी अपॉन डीजी इक्वल टू 4, पर उसके लिए तो अगर डायमीटर ऑफ पिनियन चाहिए तो मुझे डायमीटर ऑफ गियर भी देके रखा होना चाहिए डेटा में, तो फिर इसका यूज करके पास वो भी नहीं देके रखा है, तो अब मुझे वेलोसिटी मिल ही नहीं सकती है। तो फिर मैंने तुमको डिजाइन प्रोसीजर ऑफ स्पर गियर में समझाया था कि जब भी कोई ऐसा केस आए कि जहां पे तुम्हारे पास कोई डेटा देख के ही नहीं रखा है जिससे तुम वेलोसिटी फाइंड कर सको, तो उस केस में हम क्या करते हैं एज्यूम। सो यहां पे हमें एज्यूम करनी होती है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ वी गोना एज्यूम वेलोसिटी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। कब करना है, जब तुमको पूरा डेटा देख लेना है, देन आप सेटिस्फाई हो जाओ कि नहीं मिल सकता है, देन यू हैव टू एज्यूम वेलोसिटी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन डिजाइन प्रोसीजर फॉर स्पर गियर में, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं आगे। अब वेलोसिटी 5 एज्यूम कर लूंगा, तो ये किससे मैंने कम लिए, 10 से कम, तो 10 से कम के लिए हम सीवी क्या लेते, 3/3+V, तो यहां पे वी की जगह पे क्या लिख दो 5, तो ये क्या हो जाएगा 3/3+5, तो ये क्या हो जाएगा 3/8। तो यहां से हमें सीवी मिल गया, यस और नो, तो सीवी मिल गया, यस सर सीवी मिल गया। फिर सर B by M क्या ले, तो फिर मैंने अगेन बोला था कि जब आपको फेस विथ नहीं देके रखे तो आपको वो भी एज्यूम करनी है। तो अगर हमें फेस विथ नहीं देके रखी है तो वी विल एज्यूम डिजाइन ऑफ पर गियर प्रोसीजर में, मैंने आपको वो वीडियो में बताया हुआ है फेस विथ कितनी एज्यूम करनी है, 10 mm, B इक्वल टू 10 mm, नहीं देके रखा है तो फेस विथ एज्यूम करनी है, तो B by M कितना हो जाएगा 10, तो यहां पे B by M की जगह पे क्या लिख दूंगा 10। अब हमें चाहिए बेंडिंग स्ट्रेस, तो बेंडिंग स्ट्रेस मैंने बोल दिया था अल्टीमेट देके रखा है उसका 1/3 होता है, तो अल्टीमेट हमको कितना देके रखा है 600, तो 1/3 ऑफ दिस, तो ये कितना हो जाएगा 200, तो ऑलरेडी हमने वो गिवन डेटा में लिखा हुआ है, सो सर ये भी मिल गया। अब आया लुईस फॉर्म फैक्टर, तो लुईस फॉर्म फैक्टर कहां से ढूंढेंगे, तो सर लुईस फॉर्म फैक्टर आपने बोला था कि डिजाइन डेटा बुक में जाओ और इसमें कौन सा प्रोफाइल है 20 डिग्री फुल डेप्थ वाला प्रोफाइल, तो डिजाइन डेटा बुक में हमें जाना है, तो आप भंडारी की डिजाइन डेटा बुक में जाइए, वहां पे गियर के लिए हमें पिनियन देके रखा हो तो लुईस फॉर्म फैक्टर कैसे फाइंड करना है वो टेबल आपको दिखेगा। वो कैसा होगा, आपके स्क्रीन के ऊपर एक आपको इमेज दिख रही होगी, उस तरीके से होगा, तो आप इमेज में देखिए, आपके डेटा बुक में पहले सबसे पहले देखिए, फिर यहां पे स्क्रीन पे देखिए,
तो आप डेटा बुक में देखोगे तो 18 पिनियन आपने एज्यूम किया, पिनियन टीथ ऑफ पिनियन आपने 18 एज्यूम किया, तो 20 डिग्री वाला टेबल दिखी और उसमें 18 अगर तुम्हारा पिनियन का टीथ हो तो लुईस फॉर्म फैक्टर कितना है उसके बाजू में देके रखा होगा वाई इक्वल टू, तो आप देखोगे तो आपको दिखेगा वाई इक्वल टू 0.308, है ना, स्क्रीन पे देख लो, अपने डिजाइन डेटा बुक में देख लो, तो इस तरीके से वाई मिल जाएगा, यस तो ये भी मिल गया। तो अब ये पूरा का पूरा सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, क्लियर। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करो, तो यहां पे मैंने जो भी डेटा लिखा है, जो भी सिंप्लीफाई किया, मैंने बुक में से डायरेक्ट लिखा हुआ है, हो सकता है कि मेरा आंसर गलत हो, तो आपको अपने हिसाब से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, आपका जो आंसर होगा वो सही होगा, मैं क्रॉस वेरीफाई नहीं करूंगा। आप चाहो तो अपना आंसर कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ताकि दूसरे लोगों को पता है कि आपको क्या आंसर मिल रहा है, ठीक है। चलो तो यहां से हमें मॉड्यूल मिल जाएगा, तो हम इसको सोल्व करेंगे और हमें मॉड्यूल मिलेगा जो कि आएगा 4.16 mm, लेकिन मॉड्यूल होता है वो इस तरीके से 4.16 आया, तो हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके मैं यहां पे लिख देता हूं 5 mm, इसको मैंने राउंड ऑफ किया। आप ऐसे ही कुछ भी आप डिजिट नहीं ले सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन डिजाइन डेटा बुक में जाओ, स्पर गियर के डिजाइन डेटा बुक में जाओ, इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ मॉड्यूल करके आपको एक इमेज देके रखी होगी, एक टेबल आपको देके रखा होगा, मैं यहां पे इमेज दिखा रहा हूं, कैसी इमेज आपको डिजाइन डेटा बुक में दिखेगी आपको वो ढूंढना है, वहां पे फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ मॉड्यूल देके रखा होगा, तो आपको मान लो कि उसमें देखो कहीं पे भी 4.16 के बाद कोई 5 mm दिखा रहा है, तो इसमें दो चॉइस देके रखी होगी, फर्स्ट चॉइस वाला और सेकंड चॉइस वाला, तो फर्स्ट चॉइस हो सके तो आपको फर्स्ट चॉइस वाला मॉड्यूल ही आपको सिलेक्ट करना है। मान लो कि 4.16 आया तो मुझे फर्स्ट चॉइस में उसके बाद का कोई नियर इक्वल टू दिख रहा है, हाँ 5 दिख रहा है, तो मैं यहां पे 5 लिख दूंगा। सेकंड चॉइस आपको रेयर केस में यूज करनी है, समझ में आया, तो इमेज देखो डिजाइन डेटा बुक में वो निकालो, तो यहां पे मॉड्यूल मैं कितना ले लूंगा 5 mm। अब मॉड्यूल मुझे मिल गया तो फेस विड्थ मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि b इक्वल टू 10 mm एज्यूम किया था, तो मॉड्यूल आ गया 5, तो अब हमारा फेस विड्थ कितना हो जाएगा 50 mm, 10 × 5, तो फेस विड्थ मिल गया, अब मॉड्यूल मिल गया, फेस विड्थ मिल गया, तो अब बाकी सारी चीजें मिल जाएगी कैसे, तो हमें पता है मॉड्यूल क्या होता है, d/z डायमीटर अपॉन टीथ, तो अगर मुझे पिनियन के लिए लिखा हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं पिनियन के लिए dp/zp, यस और नो, मॉड्यूल कितना मिला है 5, पिनियन का टीथ हमने कितना एज्यूम किया 18 × 5, तो डायमीटर ऑफ पिनियन मिल जाएगा 90 mm, यस और नो। उसी तरीके से अब मुझे गियर का डायमीटर चाहिए, तो यहां पे लिखूंगा dg/zg, तो अब ध्यान से देखो तुम, तो मुझे चाहिए डीजी चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा m × zg करूंगा, यस और नो, तो यहां पे सबसे पहले zg, तो zg आप कैसे निकालोगे, हाउ कैन यू फाइंड द zg, ठीक है, तो आप देखो यहां पे याद रखो, तो हमें मिल गया है m मिल गया हमें, m कितना लिया है हमने 5 mm, अब m की जगह हम क्या लिख सकते हैं dg/dp ऐसा लिख सकते हैं, अगर है सॉरी हाँ, ये हमें स्पीड रेशियो कितना है हमारा 4, तो स्पीड रेशियो है हमारा 4, तो स्पीड रेशियो के लिए हम क्या लिखते हैं dg/dp, यस और नो, तो यहां पे dp कितना मिला है 90, अब 90 × 4 कर दो तो dg कितना हो जाएगा 360, यस और नो, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड, ठीक है, तो स्पीड रेशियो का इस्तेमाल करके ढूंढना है, क्योंकि स्पीड रेशियो देके रखा है, तो स्पीड रेशियो क्या होगा dg/dp, तो dg/dp यहां पे लिखूंगा, स्पीड रेशियो इज इक्वल टू dg/dp, ये कितना देके रखा है 4, तो स्पीड रेशियो 4 दो के रखा है, पिनियन यहां से मिल गया 90 × 4 360, तो स्पीड रेशियो का इस्तेमाल यहां पे करना था हमें, ठीक है, तो हर चीज का कोई ना कोई इस्तेमाल होगा, सो हमें डायमीटर ऑफ पिनियन एंड डायमीटर ऑफ गियर भी मिल गया, सो दिस इज द आंसर ऑफ कि आप गियर का डायमेंशन फाइंड करो, तो मॉड्यूल, फेस विड्थ, डायमीटर ऑफ पिनियन, डायमीटर ऑफ गियर, ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। अब नेक्स्ट हमें बोला था कि BHN नंबर फाइंड करो, और हमें यह भी बोला था कि वेलोसिटी फैक्टर मेथड का यूज करके आप इफेक्टिव लोड फाइंड कीजिए, तो अब हमें अगेन रिवर्स से चलना है, तो हमें यह देखना है कि अगर वेलोसिटी फैक्टर मेथड का यूज करना है तो उसमें इफेक्टिव लोड का इक्वेशन क्या होता था अकॉर्डिंग टू, तो होता था CS/CV×PT, सर्विस फैक्टर है हमारे पास, हाँ सर वो 1.5 है, तो सर्विस फैक्टर तो हमें गिवन डेटा में देके रखा था, सीवी का क्या करें, तो अब यहां पे बहुत सारे बच्चे भूल कर देते हैं सीवी, हाँ सर सर हमने वेलोसिटी 5 एज्यूम करी थी, तो ये यहां पे रख देंगे 3/8, नहीं अब वो नहीं लिखना है तुमको, वो तब लिखना है कि जब तुम्हारे पास डायमीटर अवेलेबल नहीं था इसलिए तुमने 5 एज्यूम किया, पर अब तुम्हारे पास डायमीटर ऑफ पिनियन इज अवेलेबल, यस और नो, तो उसका यूज करके अब वेलोसिटी निकालो तुम और तुम्हारा सीवी अपडेट करो, क्यों, क्योंकि तुम्हें अब एग्जैक्ट डायमीटर मिल गया, तो ये अपडेट करना नहीं भूलना है,
तो अब हम यूज करेंगे वेलोसिटी इक्वल टू, यहां पे लिखूंगा डीपी एनपी अपॉन 60 इंटू 10^3, क्योंकि डीपी एमएम में है तो हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो पाई डायमीटर ऑफ पिनियन 90 एमएम, एनपी 440, इसका यूज करो आएगा 6.7 मीटर पर सेकंड। एज्यूम, अब एज्यूम वाला नहीं चलेगा क्योंकि अब तुमको डायमीटर मिल गया, सो नाउ यू हैव टू अपडेट एग्जैक्ट वेलोसिटी। सो ये मिल गया 6.7, किससे कम आया, 10 से कम आया, 10 से कम आया तो c का वैल्यू क्या है, 3/3+v, तो यहां पे v की जगह पे 6.7 डालो, ये आएगा 0.30, क्लियर। तो अब CV हमें मिल गया, तो जो भी है वो अपडेट किया हमने, दिस इज अपडेटेड, तो ये CV भी मिल गया अपडेटेड। सर्विस फैक्टर तो 1 पॉइंट देके रखा, PT कैसे ढूंढना है, तो मैंने आपको दिया था PT कैसे ढूंढते हैं हम, तो डिजाइन प्रोसेसर में बताया होता है 2T अपॉन DP, तो सबसे पहले हमें टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है, 60P अपॉन 2π इनटू 10^6, यहां पे 10^6 क्यों लिखते हैं, ताकि न्यूटन एमएम में मिले, तो 60P कितना देके रखा है हमको, पावर कितना देके रखा है, किलोवाट, 10 किलोवाट, तो यहां पे डाल दो तुम 10 किलोवाट। अब यहां पे कितना लिखना है, एनपी लिखना है ना, पिनियन का लिखना है हमको, सो एनपी कितना देके रखा है, 440, यहां पे डाल दो इंटू 10^6, तो हमें टॉर्क मिल जाएगा 66314.56 न्यूटन इंटू एमएम। अब टी मिल गया, तो हमें पीटी मिल जाएगा, क्या होता है, 2t अपॉन डीपी, तो 2t यहां से मिल गया, डायमीटर ऑफ पिनियन कितना है, सो डायमीटर ऑफ पिनियन 90 यहां पे डालो, तो टेंजेंशियल लोड मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 1473.66 न्यूटन। तो ये सारा का सारा मैंने जो स्पर गियर का डिजाइन प्रोसीजर वाला जो पिछला वीडियो उसके हिसाब से ही कर रहा हूं, अगर वो आपका अच्छा है तो इजी आया आ जाएगा। सो यहां पे पीटी मिल गया, यस और नो, तो अब अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी फैक्टर इफेक्टिव क्या होता था, सीएस अपॉन सीवी इनटू पीटी, तो सीएस सर्विस फैक्टर 1.5 देके रखा है, सीवी अपडेटेड 0.30, पीटी मिल गया, तो हमें पी इफेक्टिव मिल गया 7209.69 न्यूटन, क्लियर, ओके परफेक्ट। तो अब हमें क्या रहा, अब हमें चेक करना है कि ये डिजाइन सेफ है या नहीं है, तो वो कैसे चेंज करेंगे, तो हमें उस तरीके से करना है कि पी इफेक्टिव जो वैल्यू आई है वो बीम स्ट्रेंथ और वियर स्ट्रेंथ से कम होनी चाहिए, तो हमें अभी डिजाइन सेफ है कि नहीं वो चेक करना है, ठीक है, तो हमें बीम स्ट्रेंथ ढूंढना पड़ेगा, तो बीम स्ट्रेंथ का इक्वेशन है एम डॉट बी सिग्मा बी इंटू वाई, और मॉड्यूल तुम्हारे पास है 5, हमने फाइंड किया बी 10 इंटू m 50, बेंडिंग स्ट्रेस यू हैव ऑल दैट 200, क्योंकि 1/3 ऑफ अल्टीमेट करना है, y लुईस फॉर्म फैक्टर है, तो ये बीम स्ट्रेंथ कितना मिला 15400, तो p इफेक्टिव है वो बीम स्ट्रेंथ से किसा है कम है, तो ये डिजाइन सेफ है, पर अभी इससे नहीं कर सकते, अभी वियर स्ट्रेंथ से भी चेक करना है, बीम स्ट्रेंथ से तो क्लियर है, ओके सेफ अकॉर्डिंग टू बीम स्ट्रेंथ सेफ है, वियर स्ट्रेंथ के लिए, तो अब तुम सोचोगे सर वियर स्ट्रेंथ कैसे निकाले, तो देखो बहुत इजी है, अगर एक बार तुमको p इफेक्टिव मिल गया है ना, तो वियर स्ट्रेंथ इजी निकाल सकते हो, क्यों, तो हमें ये फॉर्मूला पता है, वियर स्ट्रेंथ क्या होता है, p इफेक्टिव इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो यहां पे p इफेक्टिव मिल गया है 7209.69, और हमें गिवन डेटा में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना देके रखा है 1.5, तो हमें क्या लिखना है यहां पे 1.5, सो दैट इज आई हैव डन मिस्टेक, सो यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिखना है 1.5, क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि पी को अकॉर्डिंग टू अवर डेटा हम क्या लिख सकते हैं, तो मैंने बोला था ना हाउ कैन वी राइट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सो वी कैन राइट फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू डिजाइन प्रोसीजर, जो हमारा स्पर गियर का डिजाइन प्रोसीजर, उसमें मैंने क्या लिखाया था, सो फैक्टर ऑफ स्ट्रेंथ होता है पी एफ बीम स्ट्रेंथ अपॉन क्या होता है पी इफेक्टिव, और यू कैन राइट वियर स्ट्रेंथ अपॉन पी इफेक्टिव, ऐसे करोगे तो तुम्हें फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा, तो मुझे वियर स्ट्रेंथ चाहिए, तो पी इफेक्टिव इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर सकता हूं, यस, तो पी इफेक्टिव हमको मिला हुआ यहां पे 7209.69 यहां पे रख दो, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है हमारा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको देके रखा हुआ है थियरी के अंदर 1.5, तो यहां पे लिखेंगे 1.5, तो वियर स्ट्रेंथ मिल जाएगा हमें, यस और नो, क्लियर। अब दूसरा एक बच्चों को सवाल होगा, सर आपने ऐसा क्यों किया, सर क्या हम वियर स्ट्रेंथ के लिए इस इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते, हाँ तुम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो, तो वियर स्ट्रेंथ का इस इक्वेशन का क्या यूज होता है, बी, तो वो तो हमारे पास है सर 10 इंटू एम क्यू, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, कॉन्टेक रेशियो क्या होता है 2zz/zp, तो zz और zp दोनों हमारे पास है, कैसे ढूंढ पाओगे तुम, तो देखो ये इसका यूज कर सकते हो, या फिर यहां पे हमारे पास, तो इसको डीजी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि जेडजी के फॉर्म में ही लिखो, हियर आई कैन राइट डीजी प्लस डीपी, ऐसा भी लिख सकते हो, यू कैन राइट एनीथिंग, अब जेडजी लिखना है तो 2zz
अपॉन जेड जी प्लस जेड पी लिख दो, या फिर 2dg अपॉन dg प्लस dp लिख दो, कुछ भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्लियर। सो अब हमारे पास dg और dp दोनों है, यस और नो, क्लियर। सो डीजी डीपी दोनों है तो यहाँ पे करोगे कॉन्टेक्ट रेशियो मिल जाएगा, क्यू 1.6, बी हमारा 10 है वो मिल गया, डायमीटर ऑफ पिनियन हमारे पास है दैट इज 90। अब सर ये आपने सिखाया था के होता है, के की वैल्यू होती है 0.16 BHN अपॉन 100 का होल स्क्वायर, पर यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे पूछा था कि आप सरफेस हार्डनेस ढूंढिए यानी BHN ढूंढिए, वो दे के रखा है, तो BHN तो हमें ढूंढना है, तो अगर BHN हमें ढूंढना है तो के तो हमें मिलेगा ही नहीं, तो अगर K मिलेगा नहीं तो इस इक्वेशन से वियर स्ट्रेंथ हम नहीं ढूंढ सकते। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस इक्वेशन, वियर स्ट्रेंथ इक्वल टू P इफेक्टिव इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्लियर। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि हमने क्यों लॉजिक दौड़ा है, तो यहां से अब हमें वियर स्ट्रेंथ मिल चुका है। सो जो वियर स्ट्रेंथ है वो हमारा कितना होगा, तो 7009.69 इनटू 1.5, इसका जो भी आता है आंसर वो यहां पे रखो, बी हमारे पास है, क्यू हमारे पास है, डीपी है, और के की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहां पे के की जगह पे लिख दो 0.16, यहां पे लिखना आपको ये के की जगह पे 0.16 BHN अपॉन 100 का होल स्क्वायर, और इस इक्वेशन में आप BHN को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको BHN मिलेगा कितना आया 306.39। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, के की वैल्यू क्या है 0.16 BHN अपॉन 100 का होल स्क्वायर वो यहां पे डाल दो 0.16 इनटू BHN अपॉन 100 का होल स्क्वायर, और ये 1, 2, 3 और 4 इसकी वैल्यू तो हमारे पास है, BHN को सब्जेक्ट बना दो तो आंसर आ जाएगा, क्लियर। सो आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा ही सिमिलर आपको भंडारी के अंदर आपको मिलेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, डिजाइन डेटा बुक की प्रैक्टिस कीजिए। सो आई होप को वीडियो पसंद आएगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।